पेज नंबर 27। जी क्वेश्चन नंबर वन पे क्या हो रहा है, ये ट्राइंग टू कीप अ बैलेंस ऑन द आईसी सरफेस, ये क्या किस चीज की खुशबू आ रही है इसमें से, ये क्या चीज है? ट्राइंग टू कंप्लीट दिस वर्क इन 3 आवर्स, प्लानिंग टू गो टू यूएस नेक्स्ट मंथ, मॉडिफायर। ठीक है, मॉडिफायर के साथ हमें टच करना है नाउन को, नाउन क्या है इसमें, कौन ट्राई कर रहा है, कौन ट्राई कर रहा है, कौन बैलेंस को रखना चाह रहा है भाई अपना, नाउन क्या है जिसको ये मॉडिफाई कर रहा है, जी ट्राइंग टू कीप अ बैलेंस, हु इज ट्राइंग टू कीप अ बैलेंस, बोलो भाई, खामोश बैठे, लास्ट कंपेटिटर होगा ना। ठीक है, अब ए में क्या है, स्की टिप के ऊपर बात हो रही है, बी में क्या है, अगेन स्की टिप, सी में क्या है, डी में क्या है, ई में क्या है, तो इन तीन को हम रख लेते हैं। Trying to keep a balance on the icy surface, the last competitor caught the pole with the tip of her ski. And क्या हो गया? And क्या हो गया? Marker. दो काम हुए, पहले क्या है? Caught the pole with the tip of her ski and somersaulted. तो ये हो सकता है. Modifier भी सही है और parallelism भी ठीक है. D में क्या है? The last competitor caught the pole with the ski tip. Which made her somersault? तो ये which made her somersault भी एक modifier है. Which made her somersault into the soft snow? भाई आपने बहुत तवज्जो से करना है, अगर किसी को जरा सा भी रोजा लग रहे हैं और वो घूम रहा है और चल रहा है और फिर रहा है और घूम रहा है तो भाई खुद होकर आ जाएंगे, ये आपके ना ऊपर से गुजर जाएंगे, ये सवाल मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा थोड़े से तरीके के सवाल है और ये इसी तरह के आने हैं, बताइए। The last competitor caught the pole with the ski tip. ये तो सही हो गया. Which made her somersault? तो ये relative pronoun modifier पढ़े थे हमने. Which, that, who वाला जो clause होता है, ये भी modifier होता है. तो which made her somersault into the soft snow? तो ये कह रहा है कि जिसको ये which touch कर रहा है, उसने somersault ले लिया. Somersault समझते हैं ना, फलावाजी का नाम. तो कलावाजी किसने खाई है? Ski tip ने खाई है या बंदे ने खाई है? तो विच मेटर समर्सॉल्ट हो सकता है, नहीं हो सकता? ऑनलाइन वालों को आवाज नहीं आ रही मेरे पास। पेज नंबर 127 ग्रामर वाली बुक एक्सरसाइज वाइज नहीं हो सकता है। चले आगे, ये समझ में आ गया विच मेटर समर्सॉल्ट किसका मॉडिफायर होना चाहिए? स्की टिप तो उसके लिए समरसॉल्ट नहीं करेगी ना, वो बंदा समरसॉल्ट करेगा या उसकी स्की टिप समरसॉल्ट करेगी? विच मेड हर समरसॉल्ट, ये तो हो ही नहीं सकता। ई में क्या है? विच द कंपेटिटर समरसॉल्टेड इनटू द सॉफ्ट स्नो व्हेन द टिप ऑफ हर स्की वाज कॉट बाय द पोल। बाय द पोल जब भी आ जाएगा, बाय आ जाएगा तो ये पैसिव हो जाएगा। पैसिव को नॉन स्टैंडर्ड रिटेन इंग्लिश में प्रेफर नहीं किया जाता, हम ये तो नहीं कह रहे कि टोटल गलत है, बट हमेशा एक्टिव की ज़बान पे बात की जाती है, एक्टिव को पसंद किया जाता है। ठीक है, तो ई हम नहीं लेंगे, आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। भाई ऑनलाइन वाले 15 लोग बैठे हैं, जरा हाजिरी लगा दे, जरा एक एक दफा यस बोल दे जरा, ताकि मुझे एहसास हो जाए कि आप भी मेरे साथ हैं। तो आप लोग बोल क्यों नहीं रहे भाई? तो आप लोग कुछ बोल भी तो दे, शर्मा रहे हैं क्या? बोलने का रोजा थोड़े भाई। क्वेश्चन नंबर 2, टेम्परेचर ड्रॉप सडनली लास्ट नाइट। ओके, फिर आ गया विच। विच देखते ही दो बातें याद आनी चाहिए, विच कभी नॉन ह्यूमन को डिफाइन नहीं करता, ठीक है, और विच के साथ जो पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है वो मॉडिफाइड।
अब यहां पे वो कह रहा है विच विल मीन दैट द शूट्स इमर्जिंग फ्रॉम द सॉइल, तो विच किसको टच कर रहा है, लास्ट नाइट को, या अब विच आ किसके लिए रहा है, टेम्परेचर के लिए, टेम्परेचर के ड्रॉप करने के लिए, या टेम्परेचर रात को सडनली ड्रॉप होने के लिए, या तीनों के लिए। अब आपके वो है ना विच इज एम्बिगुअस, टच किसको कर रहे हैं, लास्ट नाइट को, तो ये हम नहीं लेंगे, ठीक है, ये लास्ट नाइट का मॉडिफायर नहीं हो सकता। विच उसको डिफाइन करता है जिसको क्या करता है, जिसको क्या करता है, वो टच कर रहा था। और ये कितनी फसल जाएगी, ठीक है भाई, विच विल मीन दैट, तो ये विच लास्ट नाइट के लिए, आगे चलते हैं, एंड दिस विल मीन, दिस किसको कह रहा है, This what? फिर क्लियर नहीं है, दिस वॉट क्लियर होना चाहिए, दिस ड्रॉपिंग ऑफ द टेम्परेचर एंड दिस फिनोमेनन, ठीक है, तो दिस के आगे हमेशा नाउन होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है ना, दिस इज माई पेंसिल, तो क्लियर है, अब बात कर रहे हो दो तीन बातों की, और दिस किसी चीज को रेफर करना चाह रहे हैं, तो दिस वॉट, ठीक है, दिस क्लियर नहीं है, तो सी भी नहीं होगा, एंड द रिजल्टिंग फ्रॉस्ट विल किल द शूट्स दैट आर इमर्जिंग फ्रॉम द सॉइल, ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट द शूट्स विल बी किल्ड बाय द फ्रॉस्ट इमर्जिंग फ्रॉम द सॉइल। अब इमर्जिंग फ्रॉम द सॉइल मॉडिफायर या नहीं है, अच्छा दैट आर इमर्जिंग फ्रॉम द सॉइल, डी में किसको डिफाइन कर रहे हैं, किसको टच कर रहे हैं, किसको टच कर रहे हैं, शूट समझते हैं ना, पौधे निकलने के लिए फ्रॉस्ट है, बर्फ लगी, तो फ्रॉस्ट कितने बर्फ है, फ्रॉस्ट हो रहे हैं, और ई में किसको डिफाइन कर रहे हैं, इमर्जिंग फ्रॉम द सॉइल किसको डिफाइन कर रहे हैं, फ्रॉस्ट को, क्यों फ्रॉस्ट को टच कर रहे हैं, अब इमर्ज शूट्स कर रहे हैं या फ्रॉस्ट, तो आंसर क्या होगा, डी। एक ये दोनों सवाल जरा अपने आपको समझाएं दोबारा से, ए क्यों नहीं होगा, बी क्यों नहीं होगा, सी क्यों नहीं होगा, डी क्यों नहीं होगा, ई क्यों नहीं होगा, वरना मैं कराता रहूंगा और आप सुनते रहेंगे और वही वाह वाह होती रहेगी। फिर उसके बाद इम्तहान होंगे, फिर ईद होगी, फिर इम्तहान होंगे, तो ये तो इसी दौरान ही सारे काम करने हैं अपने, सब इसी तरह से कह रहे हैं,
चले जी आगे, क्वेश्चन थ्री। क्वेश्चन थ्री में क्या हो रहा है, खाली प्लाव कॉन्ट्री टू फैक्ट स्टेटमेंट है। इंपोस्टर किसे कहते हैं, इंपोस्टर किसे कहते हैं, इंपोस्टर सर्च करेंगे, इंपोस्टर किसे कहते हैं। बताएं इंपोस्टर, इंपोस्टर इंपोस्टर उसको कहते हैं जो क्या करता है, धोखा देता है, बेरुपिया। ठीक है, बेरुपिया होता है, वन हू डिसीव्स। तो इंपोस्टर ने क्या किया, इल्यूड किया। इल्यूड क्या मतलब, स्केप किया, डिटेक्शन फॉर सो लॉन्ग। वो बंदी थी और वो इम्पोस्टर बनी हुई थी, अपने आप को बड़ी महारत तरीके से उसने क्या किया, वो इम्पोस्ट कर रही थी। बिकॉज शी कंडक्टेड हरसेल्फ दो शी वाज अ रेस्टलेस प्रैक्टिशनर। तो जब शी वाज, क्या वो थी या नहीं थी, बट उसने ऐसा कंडक्ट किया जैसे कि वो रेस्टलेस प्रैक्टिशनर थी। तो ये कॉन्ट्री टू फैक्ट स्टेटमेंट हो गया, तो इसमें वर्ब लगेगा वही कॉन्ट्री टू फैक्ट, खाली प्लाव वाला वर्ब लगेगा। कौन सा, क्या लगेगा, कौन सा वाला, खाली प्लाव वर्ब लगेगा। खाली प्लाव में क्या होता है, इसके साथ अगर खाली प्लाव है तो वर्ब लगता है। तो इसमें भी क्या लगेगा, शी कंडक्टेड हरसेल्फ एज दो शी वॉज, नहीं होगा शी, शी वर लाइसेंस प्लेट। ठीक हो गई बात, आगे चलते हैं। क्वेश्चन फोर, पंक्चुएशन में क्या लगा हुआ यहाँ पे, बताओ भाई। सेमीकॉलन लगा हुआ, सेमीकॉलन में क्या रूल याद आते हैं, एक तो हवर वो हवर आ जाते, और क्या होता है, सेंटेंस सेंटेंस विदाउट कंजंक्शन। दो सेंटेंस क्या होते हैं, जॉइन कर सकते हैं विदाउट विदाउट कंजंक्शन, सेमीकोलन लगा के। ठीक है, अब देखने क्या होगा, मैं मोर एंड मोर ऑलरेडी मेक आर चूजिंग टू फ्लाई टू रिमोट आइलैंड इन सर्च ऑफ द परफेक्ट बीच। सेंटेंस क्या हो गया, अब क्या होगा, नया सेंटेंस स्टार्ट होगा। अगर सेमीकोलन रखूंगा तो नया सेंटेंस स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो कौन कौन सी चॉइसेस नहीं होगी, क्या करेंगे, नया सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। ए नहीं होगा, बी नहीं होगा और सी नहीं होगा। डी और ई में क्या है, डी और ई में क्या फर्क है, एक में कॉमा है। अगर मैं कॉमा लगाऊंगा और दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को जोड़ूंगा तो कॉमा के साथ क्या लगाऊंगा, कंजंक्शन, फैन बॉयज लगाऊंगा। डी भी नहीं होगा, आंसर क्या बचेगा, डी डी। ठीक है, क्वेश्चन फाइव छोड़ देंगे, सिक्स पे आ जाए, सिक्स पे आ जाए, सिक्स पे। कंपैरिजन हो रहे, कंपैरिजन में एज मच हो रहा है, तो क्या करेंगे,
एज मच होगा तो क्या होगा, एज गुड होगा तो क्या होगा, एज फैट होगा तो क्या होगा, एक तो सिमिलर चीज होगी और क्या होगा, एक और एज भी होगा, एज मच एज, एक एज मच से काम नहीं चलेगा, एज गुड एज फास्ट एज बैड एज, दो चाहिए और दोनों चीजें सिमिलर होनी चाहिए। तो एक तो आप ये चेक कर लो कि कहाँ पे एज नहीं है, फिर ये चेक करो कि कहाँ पे चीजें एक जैसी नहीं है, ठीक है। एज मच के साथ एज कहाँ पर है, ए में है, ए में है, नहीं है, ठीक है। बी में क्या, एज मच रिलीफ अमंग द विक्टर एज आ गया है, आ गया एज मच रिलीफ ऑन द विक्टर एज इट डिड एज आ गया। डी में क्या है, रिलीफ बोथ आ गया, बोथ सही आ गया, बोथ होगा तो क्या होगा, बोथ का स्ट्रक्चर क्या होता है, बोथ एज वेल एज होगा या बोथ एंड होगा, बोथ एक्स एंड वाई एज वेल एज नहीं हो सकता, कभी भी नहीं होगा, बोथ एक्स एंड वाई। तो डी में क्या है, बोथ के साथ एज वेल हो गया, भी हट गया। अब क्या बच गया, ई, रिलीफ बोथ फॉर द विक्टर एंड द वैंक्विश। अब आप देख लें दो चॉइस आपके पास बच गई है, बी सी और ई, बी सी और ई। इसमें जब कंपेयर हम कर रहे हैं तो दोनों चीजें इक्वल होनी चाहिए। तो बी में क्या है, एज मच रिलीफ किसमें, अमंग द विक्टर्स एज द वैंक्विश। तो दो ग्रुप है, एक विक्टर्स ग्रुप है और एक वैंक्विश ग्रुप है, यह हो गया, हो सकता है। सी में क्या है, एज मच रिलीफ ऑन द विक्टर साइज, ये क्या पैरेलल, तो ये क्या प्रीपोजिशनल फ्रेज। फिर क्या है, एज के आगे क्या है, वर्ब आ गया, ये भी नहीं होगा। ई में क्या है, बोथ फॉर द विक्टर क्या है, एक्स क्या चीज हो गई, पैरेललिज्म का सवाल बन गया ये, बोथ फॉर द विक्टर्स एंड द वैंक्विश, हो सकता है ये सेंटेंस, ई हो सकता है भाई, ये पूरा रिवीजन हो रहा है ग्रामर का, मैंने आपको बोला था, खोल के रख देगा आपका दिमाग, फॉर द विक्टर क्या चीज है, एक्स क्या चीज है, यहाँ पे फॉर द विक्टर क्या है, नाउन कहां से, फॉर द विक्टर, विक्टर है नहीं, एक्स क्या है, बोथ एक्स एंड वाई, एक्स क्या है, फॉर द विक्टर, एक्स क्या चीज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज, और वाई क्या है, नाउन, प्रीपोजिशनल फ्रेज और नाउन तो हो नहीं सकता, यहाँ पे भी फॉर लगाते हैं, यहाँ पे भी फॉर लगाते हैं, आंसर क्या होगा, अमंग द विक्टर एज अमंग द वैंक्विश्ड। लोग भागना शुरू हो गए भाई, रोजा रख ले रहे, चलो भाई कोई बात नहीं, आइए सेवन में आइए, इसमें है ईडीएम नॉट एक्स बट वाई, पैरेललिज्म का ख्याल करें, ईडीएम चल रहा है नॉट एक्स बट वाई, एक्स और वाई पैरेलल करें और आंसर बताएं, विशाल ने आके छक्का मार दिया, नॉट टू प्रोमिस बट टू इंश्योर, नॉट एक्स बट वाई, आंसर क्या होगा, सर ए और बी दोनों में, ए और बी दोनों में हो गया, फिर क्या हुआ आगे, नॉट टू इंश्योर दैट द पर्सन मेकिंग द सजेशन रिसीव्स, एक में प्रेजेंट है, दूसरे में क्या है, विल बी रिसीविंग, फ्यूचर है। अब आप सेंटेंस को रीड करें और समझें कि प्रेजेंट होना चाहिए, फ्यूचर होना चाहिए, The most
द बेस्ट वे टू एनकरेज क्रिएटिव इनोवेटिव थिंकिंग क्या है वो? क्या आप क्या करें, जो भी वो काम करें तो प्रेजेंट में उसको रिवॉर्ड करें, फ्यूचर में करें? क्या करेंगे जी? ए हो जाएगा क्या? आईबी में दो तीन दफा आ चुका है सवाल। क्वेश्चन नंबर 8 आसान सवाल है, गलत कर देते हैं लोग जल्दी में जी। क्या होगा आंसर 8 में? डॉग, डॉग चाहिए जी। क्लियर है सबको? टुगेदर होगा नहीं होगा? कनेक्ट कर रहे हैं तो टुगेदर की जरूरत नहीं है। ए और बी हो गया। वर्ड्स एंड सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए कंजंक्शन लिखते हैं, या वर्ड्स को वर्ड्स से भी ज्वाइन करते हैं और सेंटेंसेस को सेंटेंसेस से भी ज्वाइन करते हैं? गुड और बैड, यू हैव टू चूज बिटवीन वन ऑफ देम। तो वर्ड्स को वर्ड्स से ज्वाइन करने के लिए भी करते हैं और सेंटेंसेस को सेंटेंसेस से ज्वाइन करने के लिए भी फैन बॉयज जैसे हैं क्वाड्रेटिक कंजंक्शंस को हम यूज करते हैं। तो और आएगा, लोग डी उठे, सी ज्यादा उठा लेते। आंसर क्या है? डी। नाइन क्या हो रहा है जरा? कौन कौन सी चॉइसेस नहीं होंगी आंसर? उसमें बात ही पूरी नहीं है, चेंज कर दिया मीनिंग। जल्दी बताएं, भाई टाइम नहीं है इतना। डी और ई नहीं हो सकता, और डी क्या सी कैसे होगा? हाँ भाई, बात पूरी नहीं ना भाई। वो कह रहा है विदाउट क्लोपेट्रा सीइंग हिम, और मैंने आपको गूगल कराया था प्रोनाउन पोजेसिव प्रोनाउन का, प्रोनाउन इन पोजेसिव प्रोनाउन के गूगल कराया था, खास गूगल कराया था कि आईएनजी फॉर्म से पहले हमेशा कौन सा प्रोनाउन आएगा? पोजेसिव प्रोनाउन आएगा। और ये भी उस वक्त बताया था कि नाउन हो या प्रोनाउन हो, नाउन हो या प्रोनाउन, आईएनजी से पहले पोजेसिव फॉर्म आएगी। क्लोपेट्रा सीइंग हिम नहीं हो सकता, यहाँ पे क्या होगा? क्लोपेट्राज होगा। एक बात तो ये होगी, दूसरी बात बात आती है, दो बातें हो रही है ना, उसने इसको देखा ना उसने उसको देखा, दो बातें, विदाउट सीइंग क्लोपेट्रा और बींग सीइंग बायर। तो सी डी में तो यही नहीं, तो अब क्या बच गया? क्लाइंट अब्रॉड विदाउट सीइंग क्लोपेट्रा आएगा या नहीं आएगा? विदाउट सीइंग व्हाट? ए में क्या है विदाउट सीइंग व्हाट? क्लियर नहीं है, बी लेंगे आंसर, विदाउट सीइंग क्लोपेट्रा और बीइंग सीन बाय हर। सी डी में तो बात ही आती हो रही है, तीनों उड़ा दिया आपने, ठीक हो गई बात। नंबर 10 आसान है, बोम्बास्ट इज व्हेन, व्हेन कब आता है? व्हेन कब आता है? व्हेन, व्हेन जब डिफाइन, व्हेन किसको डिफाइन करता है? टाइम को, यहाँ पे कोई टाइम डिफाइन, बोम्बास्ट क्या होता है? टाइम होता है भाई, ये तो एक इवेंट है, तो एक कोई चीज है ना, तो टाइम तो नहीं है। वेयर है, जगह के लिए भी नहीं होगा, वेयर आता है जगह के लिए, वो भी नहीं होगा। बोम्बास्ट कोई इलाका तो नहीं है ना कराची का। और ई क्या है? When, ये भी नहीं होगा, बच गया बी और डी। बी और डी में क्या होगा देख लें,
बी और डी में क्या फर्क है भाई? फॉर इफेक्ट रादर देन फॉर सुटेबिलिटी पैरेललिज्म बी फॉलो हो रहा है, और डी में क्या हो रहा है? भूख लग रही थी कुछ खा गया. इज द यूज ऑफ हाई साउंडिंग वर्ड्स फॉर इफेक्ट ओनली. भाई सुटेबिलिटी खा गए तुम, ओरिजिनल के करीब रहने हैं. आंसर क्या हो गया? बी. 11 किया हुआ है हमने वैसे मेरे ख्याल से. 11 बताएं क्या होगा. पंक्चुएशन पहले चेक किया गया, पंक्चुएशन को लेके एलिमिनेशन किया गया. पंक्चुएशन कोलन लेंगे, सेमी कोलन लेंगे, कॉमा लेंगे, क्या करेंगे? बाकी चॉइसेस उड़ा दें. कोलन क्यों लेंगे? इंडिपेंडेंट सेंटेंस आ गया और एक्सप्लेन भी कर रहे हैं उसको. कोलन और सेमी कोलन में फर्क क्या होता है? कोलन जब आता है जब ये वाला पार्ट ऑफ द सेंटेंस इस वाले पार्ट को डिफाइन करो, और कोलन जब आता है जब लिस्ट आ रही है. फॉलोइंग प्लेयर्स आर हैव बीन सिलेक्टेड इन द पाकिस्तान स्क्वाड फॉर न्यूजीलैंड अगेंस्ट न्यूजीलैंड. ए बी सी डी कोलन लगाएंगे, ए बी सी डी, और कोलन लगाएंगे जब ये वाला पार्ट इसको डिफाइन कर रहे हैं. वो कह रहा है, I would like to thank whoever it was that wrote that piece of music. It has given me so much pleasure. तो ये वाला sentence इस वाले को define कर रहा है, तो colon चलेगा. ठीक है, जब colon चलेगा तो A में colon है और B में क्या है? colon है. C में भी colon है, D और E नहीं होगा. ठीक है, अब आ जाए A, B और C. I would like to thank whoever, whomever, whomever. तो पहले whoever की कहानी को मुकाए. Who was it? It was, पहला वर्ब क्या? Would like किसके लिए? I के लिए. ठीक है, that wrote that piece of music. Who was it? It was whoever या whomever. Who was it? It was was किसके लिए? Who was it? It was whoever. It was who was it? It was whoever. Whomever हो गए नहीं, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं चाहिए, सब्जेक्ट प्रोनाउन चाहिए. तो आंसर हो गया ए. आई वुड लाइक टू थैंक whoever, क्योंकि सब्जेक्ट प्रोनाउन चाहिए बॉस के लिए. whoever सब्जेक्ट प्रोनाउन है. कोलन चाहिए क्योंकि कोलन के आगे वाला सेंटेंस कंप्लीट भी है और ये वाला सेंटेंस इस वाले को डिफाइन भी कर. दो तीन बातें. वर्क दैट इज फिनिश्ड इज नॉट फिनिश्ड एट ऑल. सेंटेंस क्या हो गया? सेंटेंस क्या हो गया? वर्क दैट इज नॉट फिनिश इज नॉट वर्क एट ऑल. सेंटेंस क्या हो गया बोलो यार. कॉमा लगेगा, सेमीकॉलन लगेगा, क्या लगेगा? कंप्लीट हो गया, सेमीकॉलन लगेगा. तो कॉमा वाली चॉइस दोनों उड़ गई, ए उड़ गई, बी उड़ गई, तीन बच गई, सी डी और ई. ठीक है, आगे चलते हैं. ये वाला सेंटेंस कंप्लीट होना चाहिए. इट इज मियरली अ बॉच ऑफ फेलियर. ये फेलियर जो मॉडिफायर है किसका? बॉच का. ये नहीं है, दो अलग अलग चीजें नहीं है. बॉच बॉच की देखें, बॉच को सर्च करें, बॉच के क्या मीनिंग आ रहे हैं. गलती, मिस्टेक, केयरलेसली, व्हाट? Carry out badly or carelessly, blunder. ठीक है, तो ये failure क्या है? ये modifier है किसका? ये अलग अलग चीज नहीं है. ठीक हो गई. तो sentence क्या है? A answer. It is merely a bot. Sentence complete हो गया. Comma a failure. तो मॉडिफायर किसका? ए फेलियर इज अ मॉडिफायर ऑफ अ बॉच. और इस तरह से हम लिख सकते हैं. आंसर ये हो गया. किसको समझ में नहीं आया इसमें क्या मसला है?
ए, ओ सॉरी ये तो कॉमा, सॉरी ए मैं गलत कह गया, सी कहेंगे सी, ठीक है जी, ये तो हमने पहले एलिमिनेट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 13, एक इसको हमने रखे, देखे इधर देखें तीन चीजें, एक इधर देखें, अब मैटर एक होगा तो यहाँ पे एज होगा, मैटर्स होगा तो आर होगा, देखें कहाँ से क्या है, इस होगा तो क्या होगा, मैटर होगा, और आर होगा तो मैटर होगा, तो सी तो नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता, और ई भी नहीं हो सकता, और ए और बी में क्या बच गया, कौन सा बेहतर है, ए बेहतर है, ओरिजिनल के करीब है, ठीक है। 14 के लिए ना 100 रुपए अलग से फीस लगनी चाहिए, हैवी सवाल है, गहरी सांस ले लें, सही है, इसमें एक ईडियम है, नॉट सो मच एज एक्स एज वाई, लिख लें इसको, डेनिम जीन्स वर नॉट वोन नॉट सो मच एज एक्स एज वाई, ठीक हो गई बात, चलो अभी एक एक करके देखते हैं, एज अ फैशन स्टेटमेंट और फॉर देयर बीइंग प्रैक्टिकल वर्क क्लोथ्स, ओके देख लिया इसको, बी में क्या है, नॉट सो मच एज अ फैशन स्टेटमेंट, बट लिख रहे हैं, बट नहीं आ सकता, इडियम क्या है, नॉट सो मच एज एक्स एज वाई, बट नहीं आ सकता, तो बी एलिमिनेट हो गया और सी भी एलिमिनेट हो गया, बट की वजह से हो गया, आवाज डी और ई पे, नॉट सो मच एज एक्स एज वाई, ये है सही है, और इसमें क्या है, नॉट एज अ फैशन स्टेटमेंट बट एज नॉट एक्स बट वाई, ये हो सकता है, ईडीएम एक और ईडीएम ये, नॉट एक्स बट वाई, नीचे से स्टार्ट करते हैं, तो नॉट एक्स बट वाई में एक्स क्या है, एज अ फैशन स्टेटमेंट पूरा एक्स होगा, फॉर देम बीइंग प्रैक्टिकल वर्क क्लोथ्स, ये भी क्या होगा, वाई होगा, फिर मैंने देखा बीइंग, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि आईएनजी फॉर्म से पहले क्या लगेगा, कौन सा प्रोनाउन लगेगा, फॉर देम होगा या फॉर देयर होगा, फॉर देम होगा या देयर होगा, देयर होगा, यहाँ पे देम ही है, ठीक हो गई, डी भी नहीं हो सकता इसी वजह से, डी और सी में एटीएम का गलती है, क्या बच गया, ई, नॉट सो मच एज एक्स होना चाहिए, बी और सी में वो नहीं है, बींग से पहले पोजेसिव प्रोनाउन होना चाहिए, देयर होना चाहिए, तो आंसर यही हो गया, ठीक हो गई। अब आ जाए, एक दो सवाल मैंने छुड़वाए, क्वेश्चन नंबर 5 था या क्वेश्चन नंबर 15, दो सवाल हो, ये दोनों एक ही तरह के सवाल हैं, दोनों पढ़ाए थे, ये पढ़ाए नहीं जाते, कराए जाते हैं, जैसे पढ़कर आता मैं, तो जब भी हम बात करते हैं कॉजिटिव्स की, कॉजिटिव्स क्या होते हैं, जब आपके लिए कोई चीज क्या कर दी जाए,
जिसके लिए आपको कर दी जाए, इट इज असेंशियल, इट इज रिक्वायर्ड, इट इज मैंडेटरी, इट इज ऑब्लिगेटरी, यह आपने करना जरूरी है, मैंडेटरी, नेसेसरी, रिक्वायर्ड, इस तरह के अल्फाज आ जाए। कैसे कैसे आ जाए? आपको क्या करना है? आपको करना ही करना है या आपको चाहिए? इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू ब्रिंग योर एडमिट कार्ड ऑन द डे ऑफ एग्जाम। आपको चाहिए चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए चाहिए, ठीक है। इट इज नेसेसरी दैट योर पासपोर्ट वैलिडिटी बी 6 months व्हेन यू आर ट्रेवलिंग इंटरनेशनली। 6 महीने से कम का होगा तो आपका मसला हो जाएगा। ट्रैवल करने के लिए जो तारीख है एक्सपायरी की, वो 6 महीने से 6 महीने होने चाहिए एक्सपायरी, पासपोर्ट की एक्सपायरी में और ट्रैवल करने में, ऐसे ही है। तो इसमें दो तरह के वर्ब लग सकते हैं। जहाँ पे ये सीन क्रिएट हो जाए तो वहाँ पे या तो हम सिंपल वर्ब फॉर्म यूज करेंगे। सिंपल वर्ब फॉर्म से क्या मुराद है? वी वन यूज करेंगे। क्या मतलब? द वन दैट वी यूज विद टू, या टू तो नहीं लगाएंगे, जैसे गो 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 वेंट गॉन होता है ना, गो वेंट गॉन होता है, सी सॉ सीन होता है, तो उसमें सी फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। प्ले प्लेड प्लेड होता है, तो इसमें सिंपल सादा खुशबू के साथ सादा किसी भी टू आईएनजी मस्ट गुड वुड शुड विल वुड कुछ भी नहीं होगा। क्या होगा? इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू गो, यू मस्ट गो नहीं हो सकता, यू वेंट नहीं हो सकता, यू विल गो नहीं हो सकता, यू गो देयर। इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू स्टॉप योर कार व्हेन पुलिस stops, when police, you know, ask you to do so, तो क्या करेंगे आप? Present form में आ जाएंगे जब आपको इस form में ले आएंगे। तो question number 15, it is highly desirable that you furnish evidence of your expenses, okay, तो should नहीं होगा B में, to नहीं होगा, should नहीं होगा, must नहीं होगा, should have नहीं होगा, simple A हो जाएगा। You furnish evidence of your expenses before you submit your final accounts। किसको समझ में नहीं आई बात? नहीं आई, फिर समझ आया? ये समझ में आया कि सिंपल वर्ब फॉर्म लगेगी और थर्ड फॉर्म लगेगी। वो कह रहा है कि भाई आपके लिए बहुत अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट सबमिट करने से पहले आप अपने एक्सपेंसेस की एविडेंस जमा कराएंगे, ये एक तरह की रिक्वायरमेंट है, हाईली डिजायरेड है, एक तरह से मैंडेटरी है कि जब अकाउंट्स सबमिट कर रहे हैं तो आप अपने एक्सपेंसिस के प्रूफ सबमिट करेंगे, एविडेंस देंगे। तो जो वर्ब है बी में उसके साथ शुड लगा हुआ है, मैं नहीं लूंगा। अब या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी एक, या बी के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, ये भी हो सकता है। या तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या बी के साथ थर्ड फॉर्म, दो हो सकते हैं। तो इट इज हाईली डिजायरेबल दैट यू शुड नहीं हो सकता, टू बी डिजायर्ड नहीं हो सकता, मस्ट फर्निश मस्ट नहीं हो सकता, शुड हैव नहीं हो सकता। तो सिंपल क्या होगा? ए ही बचेगी आपके पास। अब एक दो सवाल, दो तीन सवाल करते नहीं करते, क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए जो छोड़ा था।
क्या होगा भाई? नहीं आई सर समझ? क्या करेंगे बी के साथ? थर्ड फॉर्म, ठीक है। द गवर्नमेंट रिक्वायर्स दैट दिस फॉर्म शुड, नहीं आ सकता, दैट दिस फॉर्म शुड नहीं हो सकता, दिस फॉर्म बी सबमिटेड हो सकता है, दिस फॉर्म टू नहीं हो सकता, दिस फॉर्म सबमिशन तो नाउन डाल दिया इसने, दिस फॉर्म शुड भी नहीं हो सकता, आंसर हो जाएगा बी। रिक्वायरमेंट है रिक्वायरमेंट एक जनरल एक तरह की रिक्वायरमेंट है, कोई चीज मैंडेटरी कर दी आपने। खैर ये मसला नहीं आता कभी। अब एक और दो सवाल देखते हैं, एक दो सवाल और देखते हैं। पीछे आप आए मोस्ट कॉमन एरर टू में, बिल्कुल ऐसे ही है। बट हैज नहीं आएगा, हैज बी के साथ हैज नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, पेज 14, जी क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 9 और 14, दो 9 क्या है? 9 में क्या होगा? एम्प्लॉइज इंपॉर्टेंट दैट एम्प्लॉइज बी ड्रेस बी के साथ थर्ड फॉर्म। हाँ भाई सही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बी ड्रेस यहाँ पे ठीक है, बी के साथ थर्ड फॉर्म। 14 में क्या होगा? नो एरर। 14 में क्या होगा? फोर्टीन में विशाल कह रहे हैं नो एरर, हमारा कह रहे हैं बी। क्यों हमारा बी क्यों कह रही है? शी रिकमेंडेड दैट तलहा टेक होगा या टेक्स होगा? नॉर्मली तलहा के साथ क्या लेते हैं? टेक्स, मगर यहां पे क्या है? रिकमेंडेड, पॉजिटिव हो गया भाई। बहुत रिकमेंडेड है, रिक्वायर्ड है, बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट है कि क्या करें, तला भी टेस्ट आई गया, तो यहाँ पे क्या होगा? रिकमेंडेड आ गया, इंपॉर्टेंट आ गया, नेसेसरी आ गया, एक तरह के उसको कह रहे हैं भाई ये तुम करो जरूर। क्या करेंगे? तला के साथ क्या लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म, बगैर किसी एस के टू के आई एन जी के डी के शुड के कुड के माइट के वाइट के, कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, फर्स्ट फॉर्म, चाहे सिंगलर हो या दे होता। और यहाँ पे होता शी रिकमेंडेड दैट दे, तला की जगह दे होता तो भी टेक होता, तला है तो भी टेक है, दे है तो भी टेक है, वी है तो भी टेक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक हो गई। अब ये 15 सवाल जो किए ना, ये आपके उड़ जाएंगे हवा में अगर आपने इसको आज रात दोबारा नहीं संभाला। एक एक चॉइस पे जाके अटैक कीजिएगा, ठीक हो गई बात। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लेते हैं, लॉन्ग पैसेज। पैसेज 5 कर लिया आप लोगों ने?
सिक्स सेवन को कर रहे हैं, फाइव किया ही नहीं किया था। चलें जी 15 मिनट है, करें स्टार्ट। पेज 5 स्टाउट लेडी आईबी कैमरी के टेस्ट में आ चुका है एज इट इज। चलें जी शाबाश। पेज 31 पे चले जाओ ना यार, ये वाली नहीं, इसके पीछे हो जाओ। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने एक कर दिया था, नहीं बस इस साल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
चलो भाई आंसर चेक करो भाई। आंसर चेक करें। जी हाँ जी जी हाँ दे दें रोज मैसेज दे दें आ जाएंगे देंगे तो आ जाएंगे। आ जाएगा कोई बात नहीं आप कर देंगे ना। हाँ ठीक ओके ओके चले भाई कैसा हुआ सारे सही सारे तो किसी के सही नहीं होते फाइव होते फाइव तक फाइव फोर बहुत ही कुछ छक्का मारेगा तो सिक्स हाँ भाई थ्री टू हाँ भाई ऑनलाइन वाले शहजादे और शहजादियों बताओ भाई सेवन आउट ऑफ सेवन किसी की भी नहीं होंगे ना हाँ तो ये तो पक्की बात है फाइव हो गया चलो भाई बताओ और बताओ और बताओ और बताओ फाइव फोर फाइव फोर 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 आपके जैसे हैं सारे सिक्स वाले एक होगा इनमें से शायद कोई हाँ भाई सिक्स किसके ठीक है चलो भाई बस स्कोर बताओ भाई जल्दी से यार हम कौन है आराम कौन आ गया भाई फिजिकल वाला उधर चला गया चलो भाई आंसर डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन द ऑथर माइट हैव स्टेटेड हिज रूल ऑफ द रोड एज सवाल क्या है पहला क्वेश्चन बाद में करेंगे क्योंकि हमें ढूंढना पड़ेगा रूल ऑफ द रोड कहां पर है क्वेश्चन नंबर टू देखा पैराग्राफ वन की बात हो गई हाँ ठंडी आवरी सवाल क्या एटीट्यूड वाले सवाल में क्या करते हैं एडजेक्टिव्स देखते हैं किसके बारे में एडजेक्टिव देखेंगे ऑथर के एडजेक्टिव जो कि उसने यूज किए किसके बारे में लेडी के बारे में कैसा एटीट्यूड पता चलता है एडजेक्टिव से
तो क्या कैसे कहते हैं एडजेक्टिव? पहला है स्टाउट ओल्ड लेडी। स्टाउट तो मेरे चाचा को भी नहीं पता ये क्या होता है, स्टाउट तो कभी देखा ही नहीं था जिंदगी में, पहली दफा सामने आए हैं। अ स्टाउट ओल्ड लेडी वाज वॉकिंग विद अ बास्केट डाउन द मिडल ऑफ द स्ट्रीट इन पेट्रोगेट टू द ग्रेट कंफ्यूजन ऑफ द ट्रैफिक एंड विद नो स्मॉल पैरल टू हिज सर। तो इसमें खातून ने बास्केट पकड़ के बीच में चल रही है और उनको कोई टेंशन नहीं है। खातून के स्टाउट है, स्टाउट क्या होता है मुझे नहीं पता, स्मार्ट है कैसी हैं, मगर ये कोई फिजिकल अपीयरेंस ही लग रही है क्योंकि बातचीत तो सही नहीं होगी। इट वॉज पॉइंटेड आउट टू हर दैट, मैडम को बोला कि पेमेंट वॉज द प्लेस फॉर पेडेस्ट्रियंस, भाई पैदल चलने वालों की जगह क्या है, पेमेंट है। बट शी प्राइड, आई एम गोइंग टू वॉक वेयर आई लाइक, वी हैव गॉट लिबर्टी नाउ, आजादी मिल गई हम जहाँ जो जहाँ चले भाई। इट डिड नॉट अकर टू द डियर ओल्ड लेडी, अब जाते हैं ना लग रहा है कि मोहतरमा गाड़ी चला रही है, लड़के अक्सर बोलते हैं ना गाड़ी पर चला रहे होते हैं, कहते हैं लगता है कि मोहतरमा है, तो मोहतरमा को इतना एहसास नहीं हुआ कि इफ लिबर्टी इंटाइटल द पेडिस्ट्रियन टू वॉक डाउन द मिडल ऑफ द रोड, अगर लिबर्टी मिलने का मतलब यही होता है कि आप मिड बीच में चले, देन द एंड ऑफ सच लिबर्टी वुड बी यूनिवर्सल क्योस, उसका खत्म क्या होता कि सारी दुनिया में क्योस हो जाता, एवरीबडी वुड बी गेटिंग इन in others way and nobody would get anywhere, okay? Individual liberty would have become social anarchy. There is danger of the world getting liberty drunk in these days, like the old lady with the basket. Aaj ke liye khatra hai. And it is just as well to remind ourselves of what the rule of the road means. Rule of the road bhi aa gaya. To khatoon ke liye jo usne istemal kiya, do word stout hai aur ek dear old lady. मोहतरमा, तो क्या कर रहा है वो, क्या लग रहा है, कॉन्डिसेंड कर रहा है, कॉन्डिसेंड क्या होता है नहीं पता, इंटॉलरेंट है, बर्दाश्त के इंटॉलरेंट हो रहा है वो, उससे बर्दाश्त नहीं हो रही खातून की हरकतें। ऐसा भी नहीं कि उन्होंने मार दी गाड़ी और आंटी को मार दी, उसने पुलिंग गाली वाली देनी शुरू कर दी, इंटॉलरेंट तो ऐसा हो जाता ना। ऑब्जेक्टिव है कि जो है बिल्कुल उतना ही बता रहे, या कोई बहुत ऑब्जेक्टिव टोन क्या होती है, नहीं ऑब्जेक्टिव टोन होती है कि जो जितनी जैसी बात है वैसी है, उतनी बताए ना, पॉजिटिव बताए ना नेगेटिव बताए, नहीं नहीं वो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव में फर्क है, फैक्चुअल यस, सार्डोनिक होता है, सार्कास्टिक मॉकिंग, सपोर्टिव तो बिल्कुल भी नहीं है, वो तो थोड़ा सा वो तनकीद कर रहा ना। तो स्टाउट की मीनिंग क्या निकाले जरा, स्टाउट क्या होता है, एक तो उन्होंने कहा डियर ओल्ड लेडी मोहतरमा, तो ये टोन कैसी है, स्टाउट क्या, नहीं नहीं कुछ और भी होगा, स्टाउट की मीनिंग क्या निकाल है भाई, फर्म डिटरमिंड ब्रेव बोल्ड और ऑब्स्टिनेट जिद्दी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंड थिक, फैट और हेवीली बिल्ड, एक मोटी सी ऑफ अ पर्सन, एडजेक्टिव देखेंगे, strong and thick, fat, heavy built, fattish, एक मोटी सी खातून जा रही थी रोड के दरमियान में, ठीक है, तो अब टोन कैसी हो गई, इंटॉलरेंट ऑब्जेक्टिव तो नहीं है, सार्डोनिक भी नहीं, सार्डोनिक लग रही है थोड़ी, सपोर्टिव तो बिल्कुल नहीं, कॉन्डिसेंड किसे कहते हैं, कॉन्डिसेंडिंग टोन, कॉन्डिसेंड कहते हैं टू लुक डाउन ऑन समवन, किसी को बहुत ही थोड़ा सा, एक होती है कंटेम्पचुअस टोन, कंटेम्पचुअस होता है कंटेम्प से बनाए, हेट्रेड, ओ कोर्ट ऑफ कंटेम्प, तौहीन अदालत, और एक होता है कॉन्डिसेंडिंग, कॉन्डिसेंडिंग क्या होता है, किसी को हकारत तो नहीं कहेंगे, किसी को कम समझना, तो उसकी टोन ऐसी है कम, एक मोटी सी खातून जा रही थी और मोहतरमा को एहसास नहीं था, ये दो वर्ड हमारे पास, ये क्या कर रही है, तो भाई जान जो थे जो ये लिखने वाले थे उनकी टोन कैसी है, और इन खातून के बारे में
कॉन्डिसेंडिंग टोन है. हाँ पैटर्नाइज करे, मतलब क्या कर रही है यारी, चिड़चिड़ा भी नहीं हो रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा कह रहे कि नहीं करना चाहिए हमको ये, तो अब वो कह रहे कि पैटर्नाइजिंग क्या हो जाएगा, पैटर्नाइजिंग को भी डिफाइन करें थोड़ा सा. Having or showing an attitude for patronizing, superiority. बंदे की टोन कैसी, superiority है, supercilious है, disdainful है, superior है, snobbish है, scornful है, disdainful है, lordly है. One showing that one feels superior. अपने आप को क्या समझना, थोड़ा सुपीरियर समझ रहा है कि भाई मोहतरमा को इतना अंदाज नहीं था क्या कर रहे हैं. खैर उसकी टोन है कॉन्डिसेंडिंग. अच्छा रूल ऑफ द रोड क्या हो सकता है, रूल ऑफ द रोड की बात आ गई यहाँ पे. रूल ऑफ द रोड क्या होगा, डू नॉट बिहेव. जब आप पढ़ेंगे आगे तो क्या आंसर मिलेगा आपको. अब हमने पढ़ लिया था ना रूल ऑफ द रोड तक आ गए थे. रूल ऑफ द रोड पर आगे आगे क्या कह रहे हो, it is just as well to remind ourselves what the rule of the road is. It means that in order that the liberties of all may be preserved, the liberties of everybody must be curtailed. Har kisi ko apni azadi ko limit karna padega agar usko apni azadi chahiye. To ye jo usne bola hai a mein, rule of the road kya hai, do not walk in the middle of the road, no, follow the order of the policeman, do not behave, do not do what you like in private, no, do not behave inconsiderate in public, yes. Public में है तो आपको अपनी limit, अपनी liberty को क्या करना पड़ेगा, control करना पड़ेगा. आप सब कुछ नहीं कर सकते. Three में क्या है, it the sentence, ये वाला जो sentence अभी आपने पढ़ा है, it means that, ये अभी पढ़ा है, ये क्या चीज है, it's a paradox, contradiction. It means that in order that liberties of all may be preserved, हर किसी की liberty preserved हो, पूरी उसकी हिफाजत हो, the liberties of everybody must be curtailed, उसकी liberty को curtail करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा. तो ये क्या है, paradox. फिर पूरा passage पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा. ये four आखिर में करेंगे सवाल, अभी कर लेते हैं. मगर which sentence best sums up the author main point, author का main point क्या है कि भाई लिबर्टी को कंट्रोल करो. लिबर्टी का मतलब क्या है कि ये नहीं कि आप पब्लिक में जो दिल चाहे कि करते रहो. ठीक है तो क्या होगा इसका, जो लाइन से सारी देखें, देर इज अ डेंजर दैट द सोसाइटी बिकम लिबर्टी ड्रंक, ये तो नहीं है. 56, 57, 57, अ रीजनेबल कंसिडरेशन फॉर द राइट ऑफ फीलिंग ऑफ अदर्स इज द फाउंडेशन ऑफ सोशल कंडक्ट, ये हो सकता है. It is a small matter, ये नहीं है, ये तो एक error define कर रहा है. It is a small matters, यहाँ पे in the observation of the rule that we pass judgment, नहीं भाई ये नहीं है. The great moment of the heroism and sacrifice are, ये भी नहीं है. It is the little 61, it is the little habit of commonplace and good admin of great sum up, ये भी नहीं है. तो sum up क्या है, summary की, summary किस बात से ज़्यादा बेहतर पता चल रही है, a reasonable, ये है, a reasonable consideration for the rights of feeling of other is the foundation of social conduct. तमाम में सबसे बेहतर यही है. ठीक हो गई है. A situation analogous, analogous means analogy, analogous means similar, analogy similarity. वो कहता है ऐसी situation जैसे हमने passage में बयान की है, वो एक और situation कौन सी हो सकती है. तो पैराग्राफ टू में क्या हुआ था, इंसोलेंस ऑफ ऑफिस क्या हुई थी, उसको क्या किया था, पिकेडिली सर्कस पे क्या हुआ था, एक ट्रैफिक वाले ने क्या किया था, क्या हुआ था पैराग्राफ टू में, है ना, व्हेन द पुलिसमैन सेड द पिकेडिली सर्कस स्टॉप्स इन टू द मिडिल ऑफ द रोड एंड पुट्स इट्स हैंड इन द सिंबल ऑफ, इज ही इज द सिंबल नॉट ऑफ टायरनी बट ऑफ लिबर्टी, यू मे नॉट थिंक. तो ये जो यू मे हैविंग इन हरी एंड सिंकिंग योर कार पुल्ड अप बाय दिस इंसोलेंस ऑफ ऑफिस, कि इसने आपके इस ऑफिस ने, इस दफ्तर वाले ने, इस पुलिस वाले ने आपकी क्या कर दी, इंसोलेंस कर दी, टॉइन कर दी.
फील एंड योर लिबर्टी हैज बीन आउटरेज, आपकी लिबर्टी को आउटरेज कर दी गया। इसी तरह की एग्जांपल जैसे कि किसी सिचुएशन है जिसमें पुलिस वाले ने गाड़ी रोक के आपके चार पांच हाउस चेक करने के लिए गाड़ी रोकने की बोला, तो आपको ये आपको लगा कि यार वो तो अपना काम कर रहे हैं, और आपको क्या लगा कि वो क्या कर रहा है, आपकी लिबर्टी में मुदाखलत। ये जो सिचुएशन है ऐसी सिचुएशन एक और कौन सी हो सकती है, फॉलोइंग में से ऐसी सिचुएशन कौन सी है? टीचर करेक्टिंग ग्रामेटिकल एरर्स, ये वो तो आपकी लिबर्टी को नहीं तोड़ रहा, वो तो ठीक करा रहा है ना, एडिटर शॉर्टनिंग या फेस शॉर्ट नहीं करवा रहा, अ टैक्स इंस्पेक्टर डिमांडिंग टू सी समवन्स अकाउंट्स, उसने जाकर भाई शाबाश बेटा असवर बहुत पैसे बना रहे तुम्हारे बैंक राइट में, अकाउंट्स दिखाओ हमें, हम क्या तो अकाउंट्स बनाते ही नहीं है, हम क्या अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं है, पब्लिक लिमिटेड नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, तो सोल प्रॉपर्टी से मिलवाते हैं, हम कर देते हैं, ऐसे मांगा पड़ गया है। अ टैक्स इंस्पेक्टर डिमांडिंग टू सी समवन्स अकाउंट्स, ऐसे ही है सिचुएशन, ऐसा ही है। एन आर्मी ऑफिसर गिविंग ऑर्डर टू अ सोल्जर, नो, अ गवर्नर लॉकिंग अप अ प्रिजनर, नो, आंसर क्या हो जाएगा, सबका ठीक होना चाहिए। क्वालिफाइड मोस्ट नियरली मींस नंबर 646 में लिमिटेड, सही सही है, 46 जाऊं कराऊं लिमिटेड, द ऑथर अज्यूम दैट ही मे बी एज फ्री एज ही लाइक्स इट, आप कहीं भी अपने भाई कहां फ्री हो सकते हो, कहां पे हो सकते हो, ऑल मैटर ऑफ ड्रेस एंड फूड, नो भाई ऐसा नहीं, एनी सिचुएशन विच डज नॉट इंटरफेयर विद द लिबर्टी ऑफ अदर्स, ये उनका नजरिया है, हम तो उसमें भी, हम तो जो मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो तनाई में भी पाबंद है, हम तो लिबर्टी नहीं है हमारी, मगर उस पाबंदी के बाद मजे ही मजे, ऐसा नहीं कि पर्सनल लाइफ में जनरल डिस्कोर्स है कि हाँ ठीक है भाई आप अकेले हैं तो सही है, मगर आप अकेले में भी कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो आंसर क्या है इसका, बी सही होना चाहिए। In the sentence, we are all liable. Number 6, number 8. We are liable. Number 8, 54. क्या कर रहे भाई? We are all liable to forget this. This refers to something that is written above. There are a lot of people in the world, and I have to accommodate my liberty to the liberty of others. We are all liable to forget this. Unfortunately, we are so much more conscious of the imperfection of others in this respect that. In this respect, then of our own. हम क्या करते हैं, दूसरों की imperfections का तो ध्यान में रखते हैं और अपने को भूल जाते हैं, तो ये जो बात कही है इसने, ये क्या है, pointing out a general weakness, ये जो वो कह रहे हैं कि हम दूसरों की imperfections का तो ध्यान में रखते हैं और अपनी तमाम चीजों को क्या करते हैं, दबा देते, छोड़ देते, तो ये क्या कर रहे हैं, author क्या कर रहा है इस पे point कर रहे हैं किसको, थ्री में भी हो सकता था, इसको पैराडॉक्स मतलब बताऊं, और फोर में भी लोग गलती कर लेते हैं, तो इसमें फाइव तक आने चाहिए थे, पांच तक आने चाहिए, क्वेश्चन इसमें पांच ठीक होने चाहिए, कैसे ठीक होंगे, तो रोजाना पढ़ेंगे और कोई फॉर्मूला नहीं और डिस्कस कर लेंगे, ठीक हो गई बात, आपको
होना चाहिए एक ओवरऑल ना वर्ड्स नहीं आते फिर भी मुझे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है गिवन द वोकैबुलरी आई हैव कि किसका क्या मीनिंग हो सकता है डिक्शनरी में देखेंगे तो टाइम भी ज्यादा लगेगा होगा नहीं बाद में देखेंगे करने के बाद जैसे कुछ स्टैंडर्ड देखेंगे चाहे तो देखेंगे मतलब तो जरूरी नहीं ठीक हो गई बात कल हम काम करेंगे पोएम्स पे और स्पीचेस पे मैंने क्या दिया था कौन सी पोएम्स दी मैंने वन टू थ्री हो रही है ये पोएम्स की है नहीं की वन टू थ्री पोएम्स करके आनी है कल पोएम वन टू और थ्री स्कोर डाल देना आपने व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको कर दे बहुत बुरे हैं बात मुझे तीन सही है पांच तो सही स्कोर है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑफ पोएम में 50% इज अ पासिंग स्कोर मगर ग्रामर में और वोकैबुलरी में पासिंग स्कोर 80% होना चाहिए वो भी है वो तो अपने जगह लोग हम तो रीडिंग भी इजी पैसे जो है ना वो तो डिफरेंट तौर के आते हैं कितनी प्रैक्टिस कर लो कम है तो इससे ज्यादा प्रैक्टिस होते हैं प्रैक्टिस टेस्ट अलग से और देते हैं 60 प्रैक्टिस टेस्ट बहुत तेज प्रैक्टिस का मटेरियल तो बहुत है मगर अभी ये क्या आपको समझ में तो आना शुरू होना ये करना कैसे क्लास में बैठ के करना तो ना मुश्किल हो जाता वैसे मुश्किल नहीं परेशान हो जाए कल मिलते हैं इंशाल्लाह पोएम्स की किताब के साथ और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के साथ इंशाल्लाह ठीक है वोकैबुलरी करते रहें अगले हफ्ते होगा इंशाल्लाह अगले हफ्ते हो सकता है कोई ग्रैंड टेस्ट रिकॉर्ड ले लें है ना मैथ्स का कितना काम रह गया